हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा टैक्सेशन तुम्हें कैसे पढ़ना है। देखो, मेरा 74 का स्कोर था, इसलिए मैं तुम्हारे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता सकता हूँ टैक्सेशन के लिए कैसे तुम्हें पढ़ना है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं एक तुम्हारे को रिविजन टेक्निक बताऊंगा। टैक्सेशन देखो मोस्टली इंपॉर्टेंट अपना रिविजन का रहेगा। जितने ज्यादा अच्छे से तुम्हें प्रोविजन सारे याद होंगे, उतना ज्यादा तुम लिख पाओगे और इतना ज्यादा तुम्हें नंबर स्कोर करने में मदद मिलेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और देखो, 3K करवाने तुम्हारे को जनवरी में, तो सब्सक्राइब कर जरूर देना। और बाकी एक बार कमेंट जरूर कर देना कि तुम्हारे को टैक्सेशन में क्या स्कोर करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, टैक्सेशन के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले रहता है अपना क्लासेस का मेनली। तो क्लासेस तुमको स्पेसिफिकली किसी टीचर से लेनी है, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लासेस तुम्हें किसी टीचर से लेनी है, और सबसे मेन चीज, उनके नोट्स को तुम्हारे को स्टार्टिंग से उनके नोट्स ही रेफर करने हैं। नोट स्विच मत करना बाद में किसी और के भी। और यूट्यूब को, मतलब जैसे यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस, फ्री मैराथॉन्स वगैरह है ना, उनको अपन को लेना है रिवीजन के पर्पस के लिए। मेन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो तुम्हारे को किसी टीचर से ही लेनी पड़ेगी, और जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस है ना, उनसे तुम्हारे को लेना है रिविजन के लिए। टैक्सेशन में तुम स्टार्टिंग में ये पढ़ लोगे, अब तुम्हारी क्लासेस वगैरह प्रॉपरली हो जाएगी। दिक्कत क्लासेस के बाद आती है, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, वो सब चीजें बहुत रहती है। तो देखो, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, बार बार रिवीजन करना। अब रिवीजन अपन को जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा अपन को प्रोविजंस अच्छे से याद रहेंगे। टैक्सेशन के अंदर सबसे मेन अपना चैप्टर रहता है टोटल इनकम का। भाई जितना हो सके ना, एक बार तुम पूरी डीटी कंप्लीट हो जाए ना, जितना हो सके बार बार वही टोटल इनकम के जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, यहाँ पे स्टडी टिप। भाई ये करना, अभी से करना, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें। और ये मैं चारों सब्जेक्ट, मतलब तीनों सब्जेक्ट को मिला के बता रहा हूँ, अगर बोथ ग्रुप है तो 6 सब्जेक्ट को, ठीक है ना। अब मैंने भी ये करा था, भाई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या करना है, एक कॉपी लेनी या फिर एक रजिस्टर लेना है। जैसे तुमने लिया 150 पेज का, मतलब मैंने कॉपी ली थी इसलिए मैं कॉपी बता रहा हूँ, 150 पेज की कॉपी ली है ना। अब मान लो तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है, तो तुम्हारे को क्या करना है, 150 पेज है, अब उसको 6 सब्जेक्ट में डिवाइड करना है। मतलब डिवाइड करके देख लेना कितने कितने आएंगे, उसमें तुम्हें डिवाइड करना है 6 सब्जेक्ट को। मतलब पहले पेज पे तुम्हें लिखना है एडवांस अकाउंट्स, उसके बाद जो गैप में आएगा, मतलब 6 से डिवाइड कर देना, उसके बाद जो आएगा उतने पेज पे लिखना है तुम्हारे को। सेकंड अपना लॉ, ऐसे ऐसे पूरी एक कॉपी के अंदर 6 सब्जेक्ट के नाम लिख लेना, ठीक है ना। ये कर लिया, हर सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। जितने भी तुम क्वेश्चंस करो, जितने भी क्वेश्चंस, इलुस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी मॉड्यूल, कोई से भी टेलीग्राम के क्वेश्चंस, कोई तुम्हारे मॉक टेस्ट, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कहीं से भी करे, टेलीग्राम्स के पीडीएफ वगैरह कहीं से भी तुमने कोई भी क्वेश्चंस करे ना, हर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें पता है, अकाउंट्स के अंदर बात करें, अपन के पास कोई हार्ड एडजस्टमेंट होती है, कुछ हार्ड लाइनें वगैरह होती है जो मतलब बहुत घुमादार होती है, और लॉ के अंदर कुछ कुछ प्रोविजंस होते हैं, या फिर केस स्टडीज पढ़ने पड़ी, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हाँ यार इसका आंसर ये था, अच्छा ये मेरे को अब पता चला, ये क्वेश्चन करने के बाद, पहले मैंने पढ़ा था तब मेरे को नहीं पता था, ये वो चीजें। अब और डायरेक्ट टैक्स में तो तुम्हें भर भर के, अरे डायरेक्ट टैक्स में तो भर जाओगे, मतलब डायरेक्ट टैक्स का जीएसटी में भी भर भर के तुम्हारे को ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी, अच्छा ये प्रोविजन ऐसे एप्लीकेबल होता है, अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट होता है ये टैक्सेशन के अंदर। कॉस्टिंग के अंदर तुम्हारे को बहुत सारी चीजें कि अच्छा उस कैलकुलेशन को ऐसे परफॉर्म करते हैं, वो एडजस्टमेंट की लाइन है उसको ऐसे ऐसे करते हैं। और बाकी तुम्हारे ऑडिट वगैरह में तो नॉर्मल रहेगा, ऑडिट में भी तुम्हारे को केस स्टडीज वगैरह में जो घुमादार लाइन है, या फिर तुम्हारे को कुछ नई चीज पता चली, नया थोड़ा सा प्रोविजन, छोटा सा प्रोविजन जब तुम करोगे ना तुम्हें समझ आएगा, छोटा सा कोई प्रोविजन पता चला। FMSM के अंदर, SM के अंदर तो नॉर्मल ही है वैसे, FM के अंदर तुम्हारे को बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो कुछ नए कैलकुलेशन पता चली, या फिर कुछ नए कैलकुलेशन का वे पता चला कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कोई हार्ड एडजस्टमेंट दे रखा, कोई हार्ड उसने चीज घुमा रखी, वो सब चीजें। अब क्या करना है तुम्हें, ये जो चीज है मैंने तुम्हारे को 6 सब्जेक्ट की जो बताई है ना, ये हर चीज, जैसे अकाउंट्स में जो घुमादार एडजस्टमेंट है, वो तुम्हारे को उस कॉपी में उस एडजस्टमेंट का आंसर लिखना है। कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा मैं, आंसर लिखना है कि उसको कैसे हुआ। तुम चाहो तो अपने रेफर के लिए कैलकुलेशन भी लिख सकते हो ताकि तुम्हें याद आ जाए, वो लिखना है। लॉ के लिए तुम्हारे को जो भी केस स्टडीज में जो घुमादार चीज रही, या फिर तुम्हें कोई चीज, कुछ पॉइंट्स याद करने, किसी के नाम याद करना है, एमसीक्यू, उसके लिए कोई एमसीक्यू याद करना है, वो तुम्हारे को उस कॉपी में लिख लेना है पॉइंट वाइज। मतलब एक एक लाइन होगी वो सब उधर लिखनी है कॉपी के अंदर, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में। भाई टैक्सेशन के अंदर तो तुम्हारा भर जाएगा पूरा, क्योंकि इतनी सारी चीजें तुम्हें बहुत सारे, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद पता चलेगी यार ये चीजें ऐसे ऐसे होती है, तो वो तुम्हारे को उधर कॉपी में लिख लेनी है। भाई ये मैंने करी थी, फाउंडेशन में भी करी है, एंटर के ग्रुप वन में भी करी है, सब में करी है ये वाली टेक्निक, एक पूरी कॉपी बना के सब इसमें। अब सोचो,
अपना एग्जाम्स के 1.5 दिन पहले वो कॉपी तुम रिवाइज कर रहे हो, उससे पिछले जितने भी क्वेश्चन करे, जितने भी अटेम्प्ट के क्वेश्चन करे, सारे एक बार में रिवाइज, हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक कॉपी, और उसको आराम से रिवाइज करो। जो चीज जो हार्ड एडजस्टमेंट उसके अंदर लिख रखा होगा वो तुम सीधा पढ़ोगे, तुम्हारे को पिछला वो अटेम्प्ट का रिवाइज हो जाएगा एक बार में, और कितना कम टाइम लगेगा उस कॉपी को रिवाइज करने में। भाई ये टिप करके देखना, मजा आ जाएगा, बेस्ट स्टडी टिप, कहीं तुम्हें यूट्यूब पे कभी कहीं ये मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई ये मेरी टिप है, मैंने खुद ने बनाई है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, ये कोई ऐसे कहीं नॉर्मल थोड़ी ना ये कोई टिप, इसलिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रेलिवेंट टिप है ये। तो ये अपना टैक्सेशन में तुम्हें करना है, इस तुम्हारे को टैक्सेशन में देखो क्लासेस का मैंने बताई दिया स्टार्टिंग में हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे को जितने ज्यादा तुम टोटल इनकम के क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें डिफिकल्टी आएगी। मतलब मान लो 90% स्टार्टिंग में जब तुम 90% क्वेश्चंस होंगे ना वो तुम्हारे हमेशा गलत जाएंगे टोटल इनकम की, कुछ ना कुछ चीज तुम्हारे को घुमा दड़ लगेगी। अगर तुम्हारे सही जा रहे तो तुम और भी बढ़िया बात है, क्योंकि मेरे तो बहुत ज्यादा 90% तो गलत ही गए थे, तो तुम्हारे को वो पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारे को जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो तुम्हारे को अपनी जो मैंने कॉपी बताई उसके अंदर लिख लेना है, क्वेश्चंस नहीं मतलब जो एडजस्टमेंट वगैरह लाइन है वो सब। सबसे मेन चीज क्या रहेगी इसके अंदर, तुमने क्वेश्चन टोटल इनकम के क्वेश्चंस कर लिए वो तुम्हारे को रिवाइज हो गए, वो तुमने लिख लिए। जीएसटी के अंदर भी सेम ही करना है, जीएसटी के अंदर मॉड्यूल वगैरह तुम्हारे पास मॉड्यूल के अंदर नोट्स होंगे तुम्हारे पास, जो भी फैकल्टी से तुम पढ़ रहे हो सबसे मेन अपने इंपॉर्टेंट फैकल्टी के नोट्स रहेंगे डीटी में और जीएसटी में दोनों में। जीएसटी में एक चीज करना, जो तुम पीछे के क्वेश्चंस होंगे ना बुक के क्वेश्चंस करना, और जैसे ही तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन करो ना मॉड्यूल के क्वेश्चन के साइड में लिख लेना वो मेनली पूछ क्या रहा था, क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। इंपॉर्टेंट है तो उस पर हाईलाइटर से या फिर स्टार मार्क कर लेना, क्या तुम जब एग्जाम के 1.5 दिन पहले आओगे ना या फिर किसी मॉक टेस्ट के लिए भी रिविजन कर रहे होंगे तो सीधा जो हार्ड क्वेश्चन जो तुमने पहले ही मार्क कर रखे होंगे ना जीएसटी में सीधा वो पढ़ना, और इजिली तुम्हारे को वो क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, चैप्टर बहुत जल्दी से तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ऐसे जीएसटी के अंदर ये करना है तुम्हें, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, सबसे मेन अपन ने क्लासेस कर ली, अपन ने टोटल इनकम क्वेश्चन करके जीएसटी के करके जो भी अपन को नहीं आई चीज वो अपन ने उधर लिख ली। अब सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन, जो मैंने तुम्हें बताया था कि एंड में बताऊंगा बेस्ट वे रिवीजन करने का। देखो अगर तुम्हारे को स्कोर करना है ना बहुत ज्यादा तो तुम्हारे को रिवीजन ही करना है टैक्सेशन के अंदर, बहुत सॉलिड रिवीजन होना चाहिए, सारे प्रोविजन दिमाग में छपे होने चाहिए। अब ये कैसे होगा, मैंने कैसे करा था बहुत अलग, वापस जैसे मैंने एक स्टडी टिप दी थी ना अभी बीच में, एक और स्टडी टिप जो तुम्हें ऑब्वियसली बात है कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वो भी मेरी खुद की है। देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, एक ऐसा दोस्त, एक या फिर 2-3 ऐसे दोस्त लेना जो तुम्हारे से पढ़ाई में अच्छे हैं। मैंने भी ये करा था, वही बता रहा हूँ, वो ना देख लीजिए तो तुम्हारे से जो पढ़ाई में अच्छे है ना उनसे तुम्हारे को बात करनी है क्लासेस के बाद। उनको बोलना है भाई एक समय फिक्स करते हैं, अपन लोग कॉल पे बात करते हैं और एक चैप्टर फिक्स करते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट में कर सकते हो, मैंने भी हर सब्जेक्ट में करा है। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स में कोई भी चैप्टर है सैलरी है, अब वो बहुत सारा बड़ा चैप्टर है तो स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट या फिर सैलरी को तुम 3 दिन में खत्म कर सकते हो, उसको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, उतना पार्ट उसको बोल देना कि भाई एक समय फिक्स करते हैं जिसमें अपन दोनों फ्री होंगे, एक दूसरे को कॉल करेंगे और वो प्रोविजंस एक दूसरे से पूछेंगे, मैं भी तेरे से पूछूंगा तुम्हें मेरे से पूछना, भाई सॉलिड रिविजन। और ये भाई मतलब करके देखना, बस एक चीज है इसमें खुद से टॉपर बंदा लेना, कहीं तुम खुद से नीचे वाले ले लिए फिर तुम उससे पूछ रहे हो उसको आ नहीं रहा तो वो थोड़ा रहेगा, क्योंकि जो टॉपर बंदा होगा ना वो ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा उसे, और वो और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछेगा जो हो सकता है तुमने नोट्स पढ़ते हुए समय ध्यान नहीं दिया हो या फिर कुछ हार्ड एडजस्टमेंट वो पूछ ले, तो उससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ तुम एक्सप्लेन करोगे, तुम जो प्रोविजन बोलोगे वो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत शानदार छप जाएगा और सामने वाला ही बोलेगा तो वो भी तुम्हारे को अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे तुम बहुत शानदार रिवीजन कर सकते हो डेली बेसिस पे सारे चैप्टरों के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए, टिल अपने एग्जाम्स तक, जितने तक तुम्हारे एग्जाम्स है तब तक तुम ये चीज जरूर करना, इससे तुम्हारे को शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे टैक्सेशन के अंदर। बाकी यही है अपना, ऐसे तुम रिवीजन कर सकते हो, सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी टैक्सेशन के लिए, करके देखना मजा आएगा। और हाँ भाई जनवरी के एंड तक 3K सब्सक्राइबर्स टच हो ही जाने चाहिए, तो यही था इस वीडियो के अंदर।